हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसी 20 साउथ इंडियन बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवी जिसमें मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ और मानसिक बीमारी यानी मेंटल डिसऑर्डर के बारे में दिखाया गया है। और इन सारी मूवीज़ को आप फ्री में कहाँ पर देख सकते हो, इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं वो कौन कौन सी मूवीज़ है जिसमें मेंटल हेल्थ को दिखाया गया है। नंबर 20 पे आती है 2007 में रिलीज हुई मूवी भूल भुलैया। इस मूवी में डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के बारे में दिखाया गया है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.4 और 79% गूगल यूजर ने इस मूवी को लाइक किया है। इस मूवी को आप फ्री में हॉटस्टार या फिर यूट्यूब पे देख सकते हो। नंबर 19 पे आती है 2008 में रिलीज हुई मूवी गजनी। इस मूवी में एंटीरोग्रेड अमनेशिया डिसीज यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के बारे में दिखाया गया है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.3 और 87% गूगल यूजर ने इस मूवी को लाइक किया है। इस मूवी को आप फ्री में Zee5 या फिर यूट्यूब पे देख सकते हो। नंबर 18 पे आती है 2010 में रिलीज हुई मूवी कार्तिक कॉलिंग कार्तिक। इस मूवी में सिजोफेनिया मेंटल डिसऑर्डर के बारे में दिखाया गया है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.1 और 83% गूगल यूजर ने इस मूवी को लाइक किया है। इस मूवी को आप फ्री में यूट्यूब पे देख सकते हो। नंबर 17 पे आती है 2017 में रिलीज हुई मूवी टू दी बोन। इस मूवी में ईटिंग डिसऑर्डर एनोरेक्सिया नर्वसा को दिखाया गया है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.8 और 86% गूगल यूजर ने इस मूवी को लाइक किया है। इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। नंबर 16 पे आती है 2015 में रिलीज हुई मूवी तमाशा। इस मूवी में बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में दिखाया गया है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.3 और 62% गूगल यूजर ने इस मूवी को लाइक किया है। इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स या फिर Zee5 पे देख सकते हो। नंबर 15 पे आती है 2005 में रिलीज हुई मूवी 15 पार्क एवेन्यू। इस मूवी में सिजोफेनिया मेंटल डिसऑर्डर के बारे में दिखाया गया है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.2 और 94% गूगल यूजर ने इस मूवी को लाइक किया है। इस मूवी को आप फ्री में डेली मोशन पे देख सकते हो। नंबर 14 पे आती है 2021 में रिलीज हुई मूवी द वुमन इन द विंडो। इस मूवी में अगोरोफोबिया एंग्जाइटी डिसऑर्डर के बारे में दिखाया गया है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.7 और 57% गूगल यूजर ने इस मूवी को लाइक किया है। इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। नंबर 13 पे आती है 2017 में रिलीज हुई मूवी महानु भावडू। ये एक साउथ इंडियन मूवी है जिसे हिंदी में अजब प्रेम की गजब कहानी इस नाम से डब किया है। इस मूवी में OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में दिखाया गया है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.4 और 69% गूगल यूजर ने इस मूवी को लाइक किया है। इस मूवी को आप फ्री में यूट्यूब पे देख सकते हो। नंबर 12 पे आती है 2015 में रिलीज हुई साउथ इंडियन मूवी पासंगा 2। इस मूवी में ADHD डिसऑर्डर, ADHD यानी अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के बारे में दिखाया गया है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.3 और 91% गूगल यूजर ने इस मूवी को लाइक किया है। इस मूवी को आप पासंगा 2 इस नाम से हिंदी में यूट्यूब पे फ्री में देख सकते हो। नंबर 11 पे आती है 2007 में रिलीज हुई मूवी तारे ज़मीन पर। इस मूवी में डिसलेक्सिया के बारे में दिखाया गया है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8.3 और 94% गूगल यूजर ने इस मूवी को लाइक किया है। इस मूवी को आप फ्री में यूट्यूब पे देख सकते हो। नंबर 10 पे आती है 2016 में रिलीज हुई मूवी डियर जिंदगी। इस मूवी में डीप रूटेड साइकोलॉजिकल इशू को दिखाया गया है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.4 और 64% गूगल यूजर ने इस मूवी को लाइक किया है। इस मूवी को आप
नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। नंबर 9 पे आती है 2016 में रिलीज हुई मूवी फोबिया। इस मूवी में अगोरोफोबिया एंग्जाइटी डिसऑर्डर के बारे में दिखाया गया है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.8 और 73% गूगल यूजर ने इस मूवी को लाइक किया है। इस मूवी को आप फ्री में यूट्यूब पे देख सकते हो। नंबर 8 पे आती है 2001 में रिलीज हुई मूवी अ ब्यूटीफुल माइंड। इस मूवी में पैरानॉइड सिजोफेनिया मेंटल डिसऑर्डर के बारे में दिखाया गया है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8.2 और 85% गूगल यूजर ने इस मूवी को लाइक किया है। इस मूवी को आप Amazon प्राइम में देख सकते हो। नंबर 7 पे आती है 2018 में रिलीज हुई मूवी हिचकी। इस मूवी में टोरेट सिंड्रोम के बारे में दिखाया गया है। टोरेट सिंड्रोम जो कि न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.5 और 90% गूगल यूजर ने इस मूवी को लाइक किया है। इस मूवी को आप फ्री में गूगल प्ले स्टोर पे देख सकते हो। नंबर 6 पे आती है 2016 में रिलीज हुई मूवी ब्रेन ऑन फायर। इस मूवी में ब्रेन ऑन फायर डिसीज यानी NTNMDA रिसेप्टर एनसेफेलाइटिस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में दिखाया गया है, जिसमें हेलुसिनेशन, मेमोरी लॉस, डिफिकल्टी इन टॉकिंग इन सारे सिम्टम को दिखाया गया है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.6 और 82% गूगल यूजर ने इस मूवी को लाइक किया है। इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। नंबर 5 पे आती है 2005 में रिलीज हुई साउथ इंडियन मूवी अनियन, जिसे हिंदी में अपरिचित नाम से डब किया है। इस मूवी में मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में दिखाया गया है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8.3 और 81% गूगल यूजर ने इस मूवी को लाइक किया है। इस मूवी को आप हिंदी में फ्री में अपरिचित नाम से देख सकते हो। नंबर 4 पे आती है 2019 में रिलीज हुई मूवी गेम ओवर। इस मूवी में PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के बारे में दिखाया गया है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.9 और 77% गूगल यूजर ने इस मूवी को लाइक किया है। इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। नंबर 3 पे आती है 2018 में रिलीज हुई साउथ इंडियन मूवी आओ। इस मूवी में मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में दिखाया गया है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.6 और 81% गूगल यूजर ने इस मूवी को लाइक किया है। इस मूवी को आप फ्री में हॉटस्टार या फिर यूट्यूब पे देख सकते हो। फ्रेंड, ये मूवी हिंदी में अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप यूट्यूब पे इसे इंग्लिश सबटाइटल के साथ देख सकते हो। नंबर 2 पे आती है 2018 में रिलीज हुई साउथ इंडियन मूवी रत्सासन। इस मूवी में वर्नर डिसऑर्डर विद साइकेट्रिक इलनेस के बारे में दिखाया गया है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8.3 और 88% गूगल यूजर ने इस मूवी को लाइक किया है। इस मूवी को आप हिंदी में यूट्यूब पे देख सकते हो। नंबर 1 पे आती है 2011 में रिलीज हुई मूवी 404 एरर नॉट फाउंड। इस मूवी में बायपोलर डिसऑर्डर के बारे में दिखाया गया है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.3 और 87% गूगल यूजर ने इस मूवी को लाइक किया है। इस मूवी को आप फ्री में यूट्यूब पे देख सकते हो। फ्रेंड, यही थी टॉप 20 साइकोलॉजिकल साउथ बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवी, जिसमें अलग अलग मेंटल हेल्थ इशू और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के बारे में दिखाया गया है। फ्रेंड, अगर आपको भी कोई मूवीज पता हो जिसमें मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर या फिर मेंटल हेल्थ के बारे में बताया गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।